हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नए ब्लॉग में। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूं मैं अपने घर की छत से। तो आज सवेरे अर्ली इन द मॉर्निंग की बात करूं तो मौसम बिल्कुल साफ था। हमने सोचा अच्छी खासी धूप निकलेगी आज, तो बाड़ी को आज यहाँ धूप में थोड़ी देर के लिए बिठाएंगे एक दो घंटे। तो लेकिन मौसम आज फिर से एकदम से चेंज हो गया और बादल आ गए हैं। देख सकते हैं आप मौसम किस तरह का बन गया है। देखिए तो जो बानी को घर की छत के ऊपर लाने का प्रोग्राम था जो कैंसिल हो गया अनफॉर्चुनेटली। और यहाँ पर कुछ कपड़े हैं मेरी बिटिया रानी के, आप लोग देख सकते हो, ये सूखने के लिए डाले हुए हैं क्योंकि बच्चों के लिए बहुत सारे कपड़े लगते हैं। आप लोगों को पता ही है कि बच्चा बार बार पोटी कर देता है, सुसु कर देता है। तो इस तरह से देखिए सारे के सारे बानी के ही कपड़े हैं। तो अभी काफ़ी टाइम हो गया मुझे यहाँ पर लेंटर के ऊपर आए हुए। यहाँ पे एक सामान रखा हुआ था, हमारे यहाँ पर ऐसा है कि मंकीज वगैरह बहुत ज़्यादा हैं, तो उस सामान को देख रहा था मैं यहाँ पर। मम्मी और पापा गए हुए हैं नीचे गांव में, तो उन्होंने बोला हुआ था कि थोड़ी देर के लिए बैठ जाना एक आधा घंटा यहाँ पर लेंटर के ऊपर। उस सामान को धूप लगानी थी, लेकिन धूप क्या लगानी है जब मौसम ही कुछ इस तरह का है। और चलिए काफ़ी टाइम हो गया है यहाँ पर, अभी अपनी बिटिया रानी को भी देख लेता हूँ मैं और प्रियंका को भी ज़रूरत पड़ती रहती है कुछ ना कुछ चीज़ की। तो चलिए देखते हैं और क्या क्या कर रहे हैं प्रियंका और नन्ही गुड़िया। धीरे धीरे चलते हैं, क्या पता नन्ही बिटिया सोई तो नहीं। क्या चल रहा है यहाँ पर? बहुत अच्छा काम, उठी है। तो अभी देखिए 5 मिनट भी नहीं हुई थी, हमने सोचा कि ये सो जाएगी। नहीं नहीं, इसने बहुत ही गंदा काम कर दिया अभी। ओहो, तो चलिए मैं आप लोगों के साथ बाद में बात करता हूँ। हेलो एवरीवन, राधे कृष्णा, कैसे हो आप सब। तो आज मैं आपके साथ कर रही हूँ बातचीत। तो जैसे कि आपको पद्देव ने बताया कि वो आए थे हमारा हाल चाल पूछने, तो हमारी गुड़िया रानी उठ गई है और उठ के जो इसने काम किया था वो मैंने इसको साफ सूफ किया, तो इसने कर दी थी पॉटी। तो तभी मुझे एलसी आ रही थी कि इसने काम कर दिया है बहुत अच्छा। तो मैंने इसको पकड़ा हुआ था तो मेरी भी टांगों में लग गई दर्द, क्योंकि जब भी इसको बेड पर सुलाते हैं तो बहुत ज़्यादा रोती है और गोदी में सुलाते हैं तो ये उठ जाती है। तो इसको अब गोदी पसंद आ गई है तो ये पहचान भी लेती है कि गोदी है कि बेड है, तो जल्दी उठ जाती है। और हमारी रातों की नींद अब तो उड़ गई है, तो हमें लगभग 2 महीने होने वाले हैं, 16 तारीख को इसको 2 महीने हो जाएंगे तब से हम लोग जागे ही हैं। तो जब हम सोने लगते हैं रात को तब ये उठ जाती है। वैसे तो ये सोती बहुत कम है रात को, दिन को ये अपनी नींद पूरी कर लेती है और फिर रात को ये नाइट ड्यूटी पे होती है। तो पतिदेव की भी बैंड बज गई है आजकल, तो कमजोर हो गए। तो मैं कर रही थी काम यहाँ पे, तो जैसे ही बाणी सोई थी तो सारा काम जब बाणी सोई होती है तब भी करना पड़ता है हम लोगों को। तो सारा परिवार इसकी सेवा में लगा हुआ है, मम्मी पापा मैं पतिदेव और इसके चाचू भी आए थे, तो वो भी लगे हुए थे इसकी देखभाल करने में। और हमारे सानू मिठू भी आए थे, तो सानू मिठू को ये बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और मिठू ने मुझे बोला कि मामी जब भी मैं नेक्स्ट बार आऊँगा तो अपनी इस छोटी सी दीदी को अपने घर ले जाऊँगा थोड़े दिनों के लिए। तो मैं थोड़ा सा काम कर रही थी, तो आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे घर में एक फंक्शन भी हुआ था जब बानी का जन्म हुआ था उसके 11 दिन के बाद। तो उसको हम हमारे लैंग्वेज में चौका बोलते हैं, तो बहुत सारे गिफ्ट्स उस दिन बनते हैं माँ को भी और बेटी को भी। तो हम दोनों माँ बेटी को और इसके पापा को बने हुए थे गिफ्ट्स, तो मैं उन्हीं को रख रही थी। तो सोचा इनको अच्छी तरह से रख दूँ मैं, क्योंकि फिर बाद में टाइम नहीं लगता, जब भी बानी सोती है तो जल्दी जल्दी हमें अपना काम करना पड़ता है। तो मैं सोच रही हूँ कि आपके साथ भी मैं शेयर करूँ कि मुझे क्या क्या मिला हुआ गिफ्ट में। तो बहुत लोगों को इच्छा होती है और बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा भी था कि आपको गिफ्ट्स में क्या क्या गिफ्ट्स मिले हुए हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि मुझे क्या क्या मिला है। हालांकि मैं आपको थोड़े से गिफ्ट्स बताऊँगी और थोड़े से मैंने रख दिए हैं, तो जो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगे पसंद आए तो मैं उन्हीं को आपके साथ शेयर करती हूँ। वैसे तो सारे गिफ्ट्स अच्छे हैं, लेकिन कुछ एक ऐसे हैं जो जिनको मैं जल्दी जल्दी से, जैसे कोई सूट्स हैं तो उनको मैं जल्दी जल्दी से सिलवा दूंगी क्योंकि वो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आए हैं। तो मैं बताती हूँ आपको। तो
आपको दिखाती हूँ मैं, जैसे मैं इनकी तय कर रही थी तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर लेती हूँ कि मुझे क्या क्या मिला गिफ्ट्स में। तो मुझे एक मिली है बहुत ही सुंदर साड़ी जो कि मुझे दी हुई है बंदना दीदी ने। तो ये देखिए, तो ये बनारसी साड़ी है और मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आई, इस तरह की है। तो इसी तरह की एक साड़ी उन्होंने मुझे पहले भी दी हुई थी दो तीन, तो अब की बार भी उन्होंने मुझे ये साड़ी दी हुई है, बहुत ही अच्छी है, मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई। तो जब भी मैं इसको सिलवाऊंगी तो आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। तो ये देख लीजिए, इस तरह की है ये। तो साड़ियों के बारे में मुझे ज्यादा नॉलेज भी नहीं है, तो शायद ये इसका पल्लू होगा और ये फ्रंट में आएगा शायद। तो बहुत ही अच्छी है, मुझे बहुत पसंद आई। तो इस तरह का है ये। और बाकी उन्होंने मुझे एक सूट भी दिया हुआ है, फ्रॉक सूट, जो कि आपने अपने चैनल बंदना दीदी के चैनल में भी देखा होगा, तो उन्होंने भी दिखाया था। तो ये है, तो ये बिल्कुल कॉटन में है और बहुत ही सुंदर है। तो जब भी गर्मियाँ आएंगी तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी कि किस तरह का लगेगा ये मुझ पर। तो ये देखिए, बहुत ही प्यारा गिफ्ट मुझे बंदना दीदी की तरफ से मिला है। तो ये दो गिफ्ट्स मुझे बंदना दीदी की तरफ से मिले हैं। तो बेबी दीदी ने भी मुझे बहुत ही प्यारा गिफ्ट दिया हुआ है, तो वो वाला सूट मैंने अभी रखा हुआ है, तो वो भी मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। लेकिन अभी मैंने पता नहीं वो कहाँ रखा हुआ है, जब भी मैं मायके से आई थी तो मैंने वो पहना हुआ था, तो बहुत ही प्यारा है वो भी। तो ये इसका प्लाजो है और ये है इसका दुपट्टा। तो ये वाले गिफ्ट्स मुझे मिले हुए हैं बंदना दीदी की तरफ से। और साथ में एक बहुत ही, क्योंकि हमारे यहाँ पे ये रिवाज होता है कि जब भी कोई फंक्शन होता है, कोई भी धाम वगैरह होती है, तो हमारे यहाँ पे ऐसा करते हैं कि ज़्यादातर कपड़े देते हैं, हमारे यहाँ पे ये रिवाज है। तो आपकी तरफ पता नहीं क्या रिवाज होंगे, वैसे तो कुछ और भी गिफ्ट दे देते हैं जैसे अपनी तरफ से, लेकिन हमारा यहाँ पे ये मानना है कि बेटी को जो है कपड़े वगैरह दिए जाते हैं, तो इस तरह की पैकिंग की जाती है। तो ये वाला सूट मुझे मेरी ताई जी ने दिया हुआ है, तो ये भी बहुत ज़्यादा प्यारा है ग्रीन कलर का। और एक बात बताऊँ तो ग्रीन कलर मेरा बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है। तो इस तरह की ये सुहागी भी इसमें डाली जाती है, और कई बार इसमें 100 रुपये डाल जाते हैं, कई बार 10 रुपये, 11 रुपये, तो इस तरह से ये जरूर दिया जाता है हर सुहागन को। तो ये वो सूट है, बाद में मैं एक एक करके फिर से दिखाऊंगी ये वाले सूट, वैसे मैं अभी दिखा रही हूँ। तो ये वाला सूट मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, बिल्कुल सिंपल सूट है ये, इस तरह का। और ये है इसका दुपट्टा। तो जब भी मैं सिलवाऊंगी तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। तो ये वाला भी मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा लगा। और वैसे ऐसा ही एक और गिफ्ट मुझे दिया हुआ है मेरी ताई जी की बेटी ने, तो ये भी बहुत प्यारा है और ये भी मेरा फेवरेट कलर है ग्रीन। तो उसको पता है कि मेरा फेवरेट कलर ग्रीन है, तो वो मेरी पसंद का ही हर सामान लेती है। तो उसने मुझे ये सूट लाया हुआ है, देख लीजिए आप, आपको कैसा लगा आप लोग बताना जरूर मुझे कमेंट करके। तो मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली में जो भी मेरी बहनें हैं वो तो जरूर, उनको जरूर पता होगा कि सूट की वैल्यू क्या होती है। और वैसे तो जेंट्स को इतना पता नहीं होता और उनको इतना ज़्यादा शौक भी नहीं होता, तो लेडीज़ को सूट्स और बूट्स का बहुत ही ज़्यादा शौक होता है। तो ये एक बहुत ही प्यारा सूट है। तो ग्रीन कलर के सूट मुझे मिल गए हैं दो दो, और ये है इसका दुपट्टा। तो आप बताते भी चलना मुझे कमेंट बॉक्स में कि आपको कौन सा अच्छा लगा और कौन सा नहीं। तो ये दो सूट हैं जो मुझे दिए हुए हैं, और एक सूट ये है ये वाला। तो ये दिया हुआ मुझे मामा जी ने, जो कि सोलन में रहते हैं, आप सभी ने देखा ही होगा। तो ये देख लीजिए, उन्होंने भी मुझे गर्म सूट दिया हुआ है। तो बहुत ही प्यारे प्यारे गिफ्ट्स मुझे मिले हैं, और भानी को भी ढेरों सारे गिफ्ट्स मिले हुए हैं, उसके सारे गिफ्ट्स भी मैं आपको दिखाऊंगी। अगर आप लोगों ने देखने होंगे तो मुझे कमेंट जरूर करना कमेंट बॉक्स में, तो मैं आपको बताऊंगी कि भानी को क्या क्या गिफ्ट्स मिले हुए हैं। और बाकी मम्मी जी और पापा जी की तरफ से भी मुझे एक बहुत ही प्यारा गिफ्ट मिला है, जो कि मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया है। तो उन्होंने भी मुझे बहुत ही प्यारा गिफ्ट दिया हुआ है, तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी। तो ये है एक लहंगा जो कि मुझे पापा जी ने दिया हुआ है मम्मी जी ने। तो ये हमने ऑनलाइन ही मंगवाया था, वैसे तो पसंद तो मेरी ही थी, पहले ही मैंने चूज़ कर लिया था, तो पापा जी ने फिर ये मेरे लिए मंगवाया था मम्मी जी ने। तो ये मुझे बहुत ही पसंद है। तो ये देख लीजिए,
इस तरह का ये लहंगा है, आपको कैसा लगेगा मुझे बताना जरूर। तो ये वाला गिफ्ट मुझे सबसे ज्यादा पसंद आया, तो इस तरह का है ये, तो आपको मैं बारी बारी से दिखाऊंगी भी ऐसे। और ये है इसका शायद ब्लाउज, तो ये सिलवाया नहीं है अभी, तो अभी ये नया नया ही है, तो जब भी हमारे घर में फंक्शन होगा तो मैं इसको सिलवा के जरूर आपको दिखाऊंगी। और ये है इसका दुपट्टा। तो ये कुछ एक गिफ्ट्स थे जो कि मैं देख रही थी, और मैं यहाँ पे कान छांट भी कर रही थी कि मुझे कौन कौन से कपड़े सिलवाने हैं और कौन कौन से रखने हैं, क्योंकि जब मैं प्रेग्नेंट थी तो उस टाइम मैंने कुछ और कपड़े सिलवाए थे। अब हमारी क्यूट सी बेबी हो गई है, तो अब मैंने और कपड़े सिलवाने हैं, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो बाकी और ढेरों सारे गिफ्ट्स हैं जो मुझे मिले हुए हैं, तो फिलहाल मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहती हूँ, नहीं तो फिर ब्लॉग बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा और फिर बारनी भी रोने लग जाती है, तो मुझे उसको भी देखना पड़ता है। तो अभी उसके पापा ने उसको पकड़ा हुआ है, तो शायद सो भी गई है। तो आप लोगों को कैसा लगा ये ब्लॉग मुझे बताना ज़रूर कमेंट करके, और बाकी अगर आपको बारनी के गिफ्ट्स देखने होंगे तो आप मुझे कमेंट कर देना। बाकी जो जो हमारे न्यू सब्सक्राइबर हमारे चैनल पे आए हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। अगर नहीं भी किया है तो आप लोग करके ज़रूर जाना, तो डेली बेसिस पे हमारे ब्लॉग आते रहते हैं, तो आप रोज़ हमारे ब्लॉग देखा करना क्योंकि हम लोग आपके लिए ही लेके आते हैं ब्लॉग। तो अब तो मैं भी पूरी तरह से ठीक हो गई हूँ, तो अब मैं आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग लाया करूँगी। वैसे तो आपको इतने दिन पतिदेव ही ब्लॉग लेके आते रहे थे, तो अब मैं खुद ब्लॉग बनाया करूँगी और आपके साथ शेयर किया करूँगी जब भी बारनी मुझे टाइम देगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे, तो नेक्स्ट वाला ब्लॉग होगा और भी मज़ेदार और शानदार। तो टेक केयर, बाय बाय।